रखना। इसमें डिटॉल है, मास्क है, ये पट्टी है, बैंडेज है, आपको जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या जब हो सकती है तो कभी भी वो तो देखे ही है कि सिर फोड़वा दिया गया, यहीं पर सिर फोड़वाया गया था। एएसपी पर क्या कार्रवाई हुआ, डीएम पर क्या कार्रवाई हुआ, एसडीओ पर क्या कार्रवाई हुआ? लेकिन काला मास्क ला के लाए हैं। सांकेतिक रूप से हम लोग विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग उनका विरोध करेंगे। सर देखिए, आरजेडी के विधायक साफ कहना है कि जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। देखिए और आरजेडी विधायक हैं और विरोध कर रहे हैं, सीधी हेलमेट लगा कर पहुंचे हैं और क्या हेलमेट लगा कर आए हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश आपकी तरफ से? मैसेज देने की कोशिश है कि सरकार हमारी माननीयों की भी सुरक्षा देने में सदन के अंदर विफल रही है, तो इस वजह से हम अपनी सुरक्षा की गारंटी हम हेलमेट के सहारे चाहते हैं कि किसी तरीका का प्रिय घटना उस तरीके का होता है तो हम अपनी जान माल की सुरक्षा कर सके। जिस तरीके से आपने देखा है कि 20 से ज्यादा माननीय सदस्य घायल हुए और 2 कांस्टेबल को सिर्फ सस्पेंड किया गया, तो बड़ी मछली को बचाने की कोशिश हो रहा है। जो पटना का जिला पदाधिकारी उस दिन मुझे खींचते हुए कहा था बर्बाद कर दो, उस जिला पदाधिकारी को बचाने की कोशिश हो रहा है, उस समय के तत्कालीन एसपी को बचाने की कोशिश हो रहा है, और किसके इशारे पे बिहार विधानसभा में घुसे थे और माननीय पर इस तरह का जानलेवा हमला किया गया था, और ये झाल लेकर के आए हैं बिहार के नौजवानों के तरफ से, बिहार के उन बेरोजगारों के तरफ से, नीतीश कुमार जो सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए लेके आए हैं। सतीश कुमार विधायक मखदुमपुर, आरजेडी के विधायक साफ कहना है उन विधायकों का कि हम लोग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बजट सत्र में हमला हुआ था विधायकों का और अधिकारियों को बचाने की कोशिश हुई, आज अगर किसी तरह का हमला होता है तो हम लोगों की सुरक्षा हो सके, और इसीलिए हेलमेट लगाकर पहुंचे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।